सकते हैं, चाहे कोविड की बात हो या चाहे धार्मिक कुछ हो, तो एक्टिव हैं आप सोशल वर्क में और आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आना भी चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया मौका था आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का। फिर क्या ऐसा, आपने बोला सोच विचार भी करते हैं, क्या ऐसा सोचा आपने कि नहीं अभी अभी वक्त नहीं है, या किस रूप में आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में इंडिया की पब्लिक देख सकते? मैं देश में एक देश के लिए सेवा करता हूँ, ठीक है। मेरा सोच हमेशा राजनीतिक तौर तरीके अपनाने के लिए नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए कि अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं। मैं कोविड के समय निकला हूँ या कोई भी मुश्किल पड़ती है, चाहे किसान रोड पे थे तो उनको मैंने जो भी सहायता दे सकता था, या हर जगह मैं पहुँचता हूँ, कभी विकलांग बच्चे होते हैं उनको मैं कुछ ना कुछ अपने तरीके से देता हूँ, या अगर अंधे बच्चे होते हैं या मतलब बुजुर्ग होते हैं तो मैं अपने तरीके से देता हूँ। और अगर लोग उसी को देखते हैं कि राजनीतिक तौर से देखते हैं, मेरा कोई राजनीति से कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ कि उससे मेरा राजनीतिक सफर आसान हो जाएगा, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा है। जब आप गांधी परिवार के सदस्य भी हैं तब भी थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ आप काफ़ी सीखे हो सोनिया जी से और तौर तरीके सीखे हो, हमेशा राजनीति में ही होते हैं प्रियंका और राहुल, तो उनसे भी सीखने को मिलता है। तो मेरा यह है कि इतनी कठिन नहीं है, पर मुझे लगता है कि जब मैं अपने मेहनत से आऊँगा, अपने नाम से आऊँगा, अपने काम से आऊँगा, अपने बलबूते पे खड़े होकर मतलब कि उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करूँगा, उसमें प्रगति लाऊँगा, उसमें जो उनकी ज़रूरतें उसको कम्प्लीट कर पाऊँगा। और ये आसान नहीं है क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके की सरकार चली है, खाली बांटने की सरकार चली है, धर्म की राजनीति हुई है और बेरोजगारी इतनी इतनी बड़ी ज्यादा तादाद पे है कि और महिला की सुरक्षा हो या महंगाई हो, अब ये बड़ी चीजें जो हैं ये एकदम से आप कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा मैं सारे बदलाव करूंगा। मैं अपने तरीके से बदलाव करता हूं, पर जरूरत है कि जो जिस तरीके की राजनीति हुई है उसमें आपको और सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप उस टाइम पे आप अपने कदम रखिए। तो मुझे लगता है कि देर नहीं है, होगा जो भी होगा जैसे भी होगा आगे मैं जरूर राजनीति में शामिल होऊंगा, क्योंकि अब मैं समाज सेवी हूं और मतलब कि इतने समय से कोई भी मुझे अपना बिजनेस करने नहीं दे रहा है, आरोप लगते हैं तो उसके जवाब देने पड़ते हैं, कोई ना कोई स्मृति ईरानी जी उठा लेंगी एक पर्चा और दिखाएंगी अडानी जी के साथ ये वो, तो मैं तो हर आदमी से मिलता हूँ, चाहे उद्योगपति हो, स्पोर्ट्स में हो, या मतलब कि कोई भी विदेश के आते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, सब मिलते हैं। तो हर आदमी के साथ कोई काम वाम थोड़ी ना होता है या कोई गलत तरीके से थोड़ी ना दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से जब मेरा नाम हमेशा उछलता है, हमेशा गलत तरीके से उछलता है, और ईडी को 15 बारी मुझे बुलाया गया था ईडी के पास, वो बुलाने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई भी कंपनी में कुछ गलत मिलता है तो इनकम टैक्स आए, अपना असेसमेंट करे और जो भी है उसका पेनल्टी देकर आगे बढ़ सकते हैं, पर ईडी को बुलाना है और दिखावा होना चाहिए। इलेक्शन के पहले ही होता है, ईडी को बुलाया, परेशान किया मीडिया को, मीडिया ने उछाला उसको, तो उनको लग रहा है ये समय है करने का, रेड करते हैं। 2018 के जब राजस्थान इलेक्शन होते हैं दिसंबर के टाइम, उस टाइम रेड किया जाता है। तो ये जो तौर तरीका इन्होंने अपनाया कि हमेशा मेरे ऊपर राजनीतिक तौर तरीके से टूटना, तो लोगों को लगा, पूरे देश को लगा कि आपको जरूर अब सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और आप जवाब दे पाएंगे अपने आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है। तो अब पर ये नहीं है, मैं फिर भी कहूंगा कि मैं अपने कर्म से अपने मेहनत से लंबे समय के लिए राजनीति में आऊंगा, पर ये नहीं है कि खाली गांधी परिवार का सदस्य हूं इसी के वजह से आऊं। तो मेरा ये सोच है और हो सकता है, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने जो अपनी शुरू भी की थी प्रचार करने का तौर तरीका, वो किशोरीलाल शर्मा के साथ किया, सुल्तानपुर और जगदीशपुर और मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे इलाके में, तो मैं पूरी उन्होंने मेरे को काफी सिखाया और मैं बहुत खुश था जब वो उम्मीदवार थे और उनको समय मिला, प्रत्याशी वो बने वहां अमेठी के लिए।